दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में यहाँ पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में यहाँ पे एक अपडेट देने वाला हूँ। ये है कि आपको यहाँ पे स्पाइस मनी का अमेजन इजी सर्विस कैसे यूज करना है और इसका क्या फायदा है, एवरीथिंग एक ही वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको स्पाइस मनी का आईडी पासवर्ड यहाँ पे बनवाना होता है, जो कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से बनवा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे रहा हूं, अभी तक नहीं बन पाया तो वहां पे कॉल करके व्हाट्सएप करके बनवा लीजिए। आप खुद से भी बना सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको देख के बना लीजिएगा, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे स्पाइस मनी का आईडी पासवर्ड बन चुका है, हमने डिस्ट्रीब्यूटर से बना लिया है। उसके बाद आपने वो करना क्या, यहाँ पे स्पाइस मनी यहाँ पे लॉग इन कर लेना है, देख सकते हैं b2b.spicemoney.com पे जाइएगा और यहाँ पे स्पाइस मनी अपने को लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आइएगा, यहाँ पे अगर आपको सर्विस दिखेगा बड़ा बाजार, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे जैसे आप लोग बड़ा बाजार पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया टैब ओपन होगा। यहाँ पे आपको बोला जाएगा सेलेक्ट योर वेंडर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बड़ा बाजार में क्या है, चलिए यहाँ पे फोटो यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग साथ साथ, और साथ साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पाइस मनी ला रहा है बड़ा बाजार। जी हाँ दोस्तों, अब डिजिटल खरीदारी, गैजेट, कपड़े और किसान उत्पाद जिसे सामान, मतलब कि आप डिजिटलाइज ऑनलाइन सब कुछ खरीद सकते हैं। लैपटॉप खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, कृषि से रिलेटेड कोई सामान खरीदना, एवरीथिंग सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा, आप खरीद सकते हैं और उस पर आपको कमीशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो वेंडर देखने को मिलेगा, एक तो अमेजन इजी है मीन्स की amazon.com, दूसरा यहाँ पे इफ्को बाजार में यहाँ पे फर्टिलाइजर से रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने को यहाँ पे मौका मिलेगा, मीन्स की कृषि से रिलेटेड एवरी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, खाद लेना है, बीज लेना है, कुछ भी सब कुछ मिल जाएगा। आप कैश ऑन डिलीवरी अपने कस्टमर के लिए ऑर्डर करवा सकते हैं, 4% तक का यहाँ पे कमीशन मिलेगा। जैसे आप ऑर्डर करवाएंगे उसका जब ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा मीन्स की उसके बाद यहाँ पे आपको कमीशन 4% जो भी है वो प्रोडक्ट, अगर आपने 10,000 का ऑर्डर किया तो उसका जो 4% कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे 400 रुपये आता है, तो 400 रुपये आपके वॉलेट में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। कब, जब स्पाइस मनी इफ्को बाजार यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इफ्को बाजार पे डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं और वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, काफी इजी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसी प्रकार से आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे अमेजन का इजी आ जाता है। पहले हम इफ्को बाजार की थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा, आपके स्पाइस मनी की आईडी से ऑटोमेटिकली पिन कोड वगैरह आ जाएगा। अब यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्डर करूंगा किसी भी कस्टमर्स के लिए, मैं उसका एड्रेस फिल करूंगा, उसका मोबाइल नंबर फिल करूंगा, यहाँ पे ऑर्डर कर दूंगा, उसके घर पे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट जैसे ही डिलीवर होगा उस पर 4% तक का मेरे को यहाँ पे कमीशन मिल जाएगा। यहाँ पे सभी प्रकार का चीजें मिल जाएगा, सीड, गार्डनिंग, पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। अभी जाते हैं हम लोग बड़ा बाजार, और बड़ा बाजार पे यहाँ पे आने के बाद अगर अमेजन इजी पे अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पे इस प्रकार से, आज के डील्स जो भी लेटेस्ट ऑफर होगा वो सारा का सारा यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ऑफर को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऑफर से यहाँ पे जो भी होगा आपको दिखेगा, स्पाइस मनी पोर्टल पे ही आपको ऑफर से दिख जाएगा, डेली का ऑफर जो लेटेस्ट डील्स यहाँ पे होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बैनर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आप लोग यहाँ पे अमेजन का इजी ज्वाइन होंगे तो आपको इसका बैनर भी देखने को मिलता है, डिलीवर हो जाएगा आपके एड्रेस पे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे वहां पे आपको क्या है कि कमीशन देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली अमेजन इजी स्टोर पे खोलने पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आईडी पासवर्ड होता है अमेजन का वो फिल करना है, किसका, कस्टमर का यहाँ पे आईडी पासवर्ड फिल करना है, ठीक है। उसका आईडी पासवर्ड यहाँ पे फिल करके यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। अगर उसको यहाँ पे आईडी पासवर्ड नहीं है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट योर अकाउंट। अगर यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे उसका आईडी भी बन जाएगा और उसका पासवर्ड भी मिल जाएगा और सामान भी आप ऑर्डर करेंगे। उस कंडीशन में आपको ये फायदा होगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे बोनस देखने को मिलेगा, 150 रुपए के आसपास आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे कैश मिलेगा, कैशबैक। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो पुराना वाला हमारा आईडी है वो हम लोग यहाँ पे लॉग इन करेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं फर्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फाइनली यहाँ पे अमेजन अकाउंट में लॉग इन हो चुके हैं। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है आपको, आपको यहाँ से सिंपली ऑर्डर करना है। आप कोई प्रोडक्ट यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्डर करेंगे तो उस पर आपको कमीशन मिलेगा। अलग अलग प्रोडक्ट पे यहाँ पे अलग अलग कमीशन देखने को मिलता है, लेकिन कमीशन काफी अच्छा है, ठीक है दोस्तों। 10% तक यहाँ पे कमीशन मिलेगा। तो मैं अभी यहाँ पे एक माइक खरीदना चाहता हूँ, सपोज दैट जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर दीजिए, सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद अपने कस्टमर को यहाँ पे पसंद कराएंगे कि आपको भाई कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, उसको यहाँ पे पसंद करना होगा, आपको उनको दिखाना है अलग अलग प्रोडक्ट्स।
उनका फीचर्स बताना भाई, आपको इस प्रोडक्ट में ये फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें आप उसको बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसको जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद उस प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या करना रहेगा, सिंपली ऑर्डर करना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट जो है जो भी सही लग रहा है हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो हम लोग ये है कि हम लोग यही प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, नीचे सब कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ है। यह माइक हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं, तो इसी को ऑर्डर करेंगे दोस्तों। फीचर्स इसके काफ़ी बढ़िया हैं और काफ़ी अच्छा माइक ये माना जा रहा है, तो भाई इसी को हम लोग ऑर्डर करेंगे। तो कैसे ऑर्डर करेंगे वो भी देखेंगे, और यहाँ से ऑर्डर करेंगे आपको यहाँ पे कमीशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। तो देख लेते हैं सारा चीज़ें। यहाँ से डायरेक्ट मैं इसके कंपनी के जो स्टोर होते हैं वहाँ पे जा सकता हूँ, और यहाँ से मैं प्रोडक्ट इजीली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। वो भी फीचर्स यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, तो चले यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता है। अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हैं, इसी प्रोडक्ट को मेरे को बाय करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे फर्स्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे ओपन करने के बाद बाय करने के लिए यहाँ पे सिंपली करना कुछ नहीं है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। ए मल्टीपल प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं सिंपली ए टू कार्ड कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को यही प्रोडक्ट खरीदना है, फिर कस्टमर को यही खरीदना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से जो मैं 5 दर्जन के प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, ये मेरे को कमीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे जो आप बाय नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पहले तो हमने क्या किया था, पहले यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो अकाउंट लॉगिन किया था, वो जिस अकाउंट से मेरा स्टोर ओपन था वो अकाउंट हमने यहाँ पे डाला था, उसका आईडी पासवर्ड। लेकिन अभी यहाँ पे जो जो कस्टमर है उसका यहाँ पे अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, अपना खुद का यहाँ पे अकाउंट डाला था, अभी हम लोग कस्टमर का जो अकाउंट है उसको यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अगर कस्टमर का यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो उसका यहाँ पे अकाउंट क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे आईडी पासवर्ड कस्टमर का फिल किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे आ चुका है एड्रेस सिलेक्शन का। तो यहाँ से आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट नया एड्रेस फिल कर सकते हैं, अगर नया एड्रेस फिल नहीं करना चाहते यहाँ पे जो एड्रेस है उसके साथ प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है एड्रेस सही है तो उसके साथ प्रोसेस कीजिए, फिर नया एड्रेस फिल कीजिए, ठीक है। नया एड्रेस फिल करके आप सिंपली एड्रेस पे क्लिक करना पड़ेगा। मेरे को एड्रेस पे डिलीवर करना है, मैं डिलीवर टू दिस एड्रेस पे क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये होगा कि यहाँ पे पेमेंट मेथड सिलेक्शन के लिए पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको पे ऑन डिलीवरी पे क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे पे ऑन डिलीवरी, ठीक है, नीचे वाला। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे दूसरा कोई मेथड सिलेक्ट कर लिए तो आपका यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा आपके अकाउंट से और कस्टमर के पास डिलीवर होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। आपको जब भी यहाँ से ऑर्डर करना है तो आपको यहाँ पे ऑन डिलीवरी पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का आपका यहाँ पे डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा, सारा डिटेल उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसका सिंपली प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाएगा और यहाँ पे कस्टमर को ये ऑर्डर सक्सेसफुली यहाँ पे डिलीवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस्ड, थैंक यू, इस प्रकार से यहाँ पे शो हो रहा है कन्फर्मेशन, ये 6 तारीख से पहले यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। आज 3 तारीख है, 3 दिन के बाद ये प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है अमेजन यूज करना। इसका जो भी कमीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा 10% 5% वो वेरी होते रहता है अलग अलग प्रोडक्ट पे, लेकिन मैक्सिमम जो कमीशन यहाँ पे दोस्तों है अमेजन इजी पे आपको 10 रुपए तक यहाँ पे 10% तक यहाँ पे कमीशन देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा यहाँ पे सर्विसेज है। इस सर्विसेज को एक्टिवेट करने में आपको 1700 रुपए का पेमेंट करना पड़ता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्पाइस मनी का अधिकारी आईडी पासवर्ड लेना पड़ेगा, वहाँ पे 1700 ऐड करके आप लोग यहाँ पे अमेजन का जो सर्विसेज है अमेजन इजी वो एक्टिवेट करा सकते हैं। और जो अपना इफको बाजार है बिल्कुल फ्री है, ये एक्टिवेट कराने का कोई जरूरत नहीं है, पहले से एक्टिवेटेड मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग यहाँ पे स्पाइस मनी आईडी बनना चाहते हैं, स्पाइस मनी आईडी लेना चाहते हैं, स्पाइस मनी से जुड़ना चाहते हैं, अमेजन पे से जुड़ना चाहते हैं, स्पाइस मनी से एनीथिंग कोई भी सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपका जरूर सलूशन करेगा, ठीक है, उससे सलूशन करना काम है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।